नमस्कार, सातना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष हीरा भाई से संवाददाता ललित साहू ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने विकास कार्यों के साथ कई खास विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले कोरोना काल से अब तक लगातार वो नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन दे रहे हैं, साथ ही शिक्षा चिकित्सा की बेहतर सुविधा और शुद्ध पेयजल, वार्ड के गलियों में नाली निर्माण जैसे तमाम विकास कार्य को बेहतर ढंग से करवा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार के नेतृत्व में विधायक के मार्गदर्शन में लगातार डोंगरगांव नगर पंचायत विकास की नई इबादत लिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी डोंगरगांव पर, और यहाँ जो है डोंगरगांव के प्रथम नागरिक नगर पंचायत के अध्यक्ष हीरा भाई आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से डोंगरगांव को एक नई विकास की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से डोंगरगांव को एक नई पहचान देने में सफल हैं। सारे सवालों के जवाब को हम उनसे सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह से डोंगरगांव को वो एक नई दिशा दे रहे हैं। हीरा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। डोंगरगांव नगर पंचायत अभी हम लोग का कार्यकाल जो हुआ है वो 2 साल अभी करीब हुआ है हमको, और नगर में जो आज स्थिति है कि गार्डन से लेकर या मूलभूत सुविधा के लेकर हमने हमेशा कार्य किए हैं और बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे विधायक डलेश्वर साहू जी के आशीर्वाद से नगर पंचायत में कहीं पे आर्थिक स्थिति का कमी नहीं आने दिया, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डोंगरगांव नगर पंचायत पूरे संभाग और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नगर पंचायत के रूप में अपने पहचान बना चुकी है, आगे किस तरह से राजस्व को बढ़ाने के लिए और यहाँ के आय को बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास? डोंगरगांव नगर पंचायत दुर्गा संभाग, रायपुर संभाग में सबसे बड़ा नगर पंचायत है। नगर पंचायत का हमारा जो अभी कोरोना काल में 2 साल कोरोना काल रहा है उसमें हमारे कर्मचारी का प्रत्येक माह हमने उनका पेमेंट किए हैं। पहला माह 5 तारीख को हमने उनको पेमेंट जारी कर देते थे। साथ ही हमारा आय का स्रोत जो बहुत सारा हमने जहाँ पे जमीन था जो दुकान ने हमने बनवाया और उससे भी आय का साधन हमको बढ़ा नगर पंचायत को। मतलब ये कहें कि कोरोना काल में कई निकाय क्षेत्रों में नगर पंचायत में कर्मचारियों के पेमेंट के लिए भी लाले पड़े थे, उस समय भी आपने पेमेंट किए हैं? बिल्कुल, हमने पर्याप्त मात्रा में आय का साधन बनाए हैं और अभी और बहुत सारा जो हमारे निकाय के अंदर में कहा जाए कि हमने 8-10 दुकान और निकाल रहे हैं, उसमें हमारा और अच्छी होगा। जब से आप डोंगर गांव नगर पंचायत के बागडोर संभाले हैं, क्या स्थिति है, कितने की लागत से आप निर्माण कार्य करा चुके हैं, चाहे वो लाखों में है या करोड़ों में? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नगरीय निकाय मंत्री जी श्री डहरिया जी, साथ ही हमारे क्षेत्र के विधायक डलेश्वर साहू जी, इन सभी का आशीर्वाद से और प्रयास से डोंगरगांव नगर पंचायत को पर्याप्त राशि मिला और डोंगरगांव नगर पंचायत में करीब अभी हमारा एक कार्य चालू है, 2 करोड़ का पुष्प वाटिका बन रहा है, साथ ही 1.50 करोड़ रुपये का खेल मैदान बन रहा है, साथ ही शासन की जो योजना है जैसे पौनी पसारी वो भी निर्माण कार्य चालू है, गौठान भी हमारा कार्य पर है, और साथ ही अभी हमारा डोंगरगांव मेन रोड पर सांस्कृतिक भवन है इंदिरा प्रियदर्शनी, उसमें 33 लाख का जीवन उद्धार करवा रहे हैं। साथ ही अधोसंरचना मद से हमने 90 लाख का कार्य करा चुके हैं और साथ ही 1,61,000 रुपये का 1 करोड़ 61 लाख रुपए का हमने प्रस्तावित और भेजे हैं शासन को, वो भी स्वीकृति बहुत जल्दी मिल जाएगा। साथ ही 15 वित्त में हमने समथिंग 2 करोड़ का काम वो भी प्रस्तावित किए हम लोग, वो भी चला गया है। तो मेरे हिसाब से नगर पंचायत डोंगरगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे विधायक डलेश्वर साहू जी के आशीर्वाद से बहुत सारा कार्य, बहुत सारा जो है 40 से 50 हमको कई करोड़ों में दिए हैं, है ना। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, इसी तरह से उनका आशीर्वाद बना रहे और मेरे डोंगरगांव की जनता जो हमेशा
हमें आशीर्वाद हमको मिला है। तीसरी बार हमारा जो कांग्रेस का यहाँ पे अध्यक्ष बैठे हैं उनका आशीर्वाद रहा है और उनके मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। साथ ही डोंगरगांव नगर पंचायत में मूलभूत सुविधा के माध्यम से हमने पानी की व्यवस्था बराबर हमने किए हैं। जल और अवर्धन का भी हमारा काम चालू है, वो भी बहुत जल्दी हमको हैंडओवर हो जाएगा और नगरवासी को इसका लाभ मिलेगा। मांगलिक भवन हमने अभी डोंगरगांव में 75 लाख रुपए को बना है, करीब 95% वो कार्य हो चुका है और हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लोकार्पण करें। पालिका बाजार स्वावलंबन योजना का भी हमको माननीय मंत्री जी का घोषणा है जो जिसमें 100-100 दुकान बनना है। हाट बाजार के हमारे 40 लाख रुपया वो भी है हमारे पास, वो भी बहुत जल्दी कार्य चालू हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल साहब का 3 वर्ष जो है पूर्ण हो चुका है, अब ये 4था वर्ष लगने को है और जिस तरह से विकास की गति बढ़ रही है, आपके नगर पंचायत में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को कितना आप पहुंचा पाए लोगों तक, कौन कौन सी योजनाओं को क्रियान्वित करवा पाए? देखो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किसान के बारे में और बहुत सारा जो सुविधाओं के बारे में, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में, जैसे नरवा गुरुआ और बारी है ना, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें भी बढ़िया उसमें अच्छा संदेश जा रहा है पब्लिक के बीच में। जैसा हमारे यहाँ जैसा अभी हाट बाजार में जैसा कि मोबाइल यूनिट चालू हुआ है, हमको भी हमारे नगर पंचायत को प्राप्त हुआ है, उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उसका भी लाभ ले रहे हैं, उससे अच्छा संदेश जा रहा है। गोबर खरीदी की क्या स्थिति है? गोधन न्याय योजना के तहत सीएम साहब जो है किसानों को साथ में स्थानीय जो यादव समाज को भी काफी इसमें महत्व दिए हैं। गोबर खरीदी की अगर बात करें तो आपके नगर पंचायत में क्या स्थिति है गोबर खरीदी? गोबर खरीदी का जो है हमारे नगर पंचायत में शुरू में हमने अच्छा वो कलेक्ट किए, लेकिन अभी कुछ जैसे कहा जाता है ना कि पहले नगर में क्या होता था कि बहुत सारा पशु मालिक जो होते थे और रोड में बैठे हुए दिखते थे। गोबर खरीदने का फायदा ये हुआ कि आज किसी बाजार और मार्केट में पशु धन नहीं दिखता, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही गोबर खरीदी हमारे यहाँ बढ़िया है, चल रहा है और उसमें हमारे जो स्वच्छता दीदी है हमारे नगर पंचायत में, वही लोग उस खाद को बनाते हैं और उन्हीं लोग वितरण करते हैं। स्वच्छता के मामले में काफी गंभीर है छत्तीसगढ़ सरकार भी, केंद्र से काफी अवार्ड भी जीते हैं, आपके यहाँ क्या हाल है? स्वच्छता के माध्यम से पहली बार कहा जाए तो इतने समय से नगर पंचायत बना हुआ था और पहली बार हमको राज्य सरकार से स्वच्छता के मामले में हमको पुरस्कृत हुआ है और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छता के मामले में हमेशा हम आगे रहें और अच्छा काम करें। कई बार पट्टे की भी मांग लोगों ने किया, आपके यहाँ क्या पट्टे का मांग किया लोगों ने? पट्टे का मांग हमारे यहाँ निरंतर चल रहा है। पट्टे का जो है करीब करीब हमारे यहाँ आबादी का पट्टे करीब करीब हमने 80%, जैसा पट्टे में बहुत सारा होता है राजस्व में आबादी पट्टा होता है, आबादी पट्टे का हमने कम से कम 125 के आसपास हमने पाटे हैं। साथ ही राजीव गांधी आश्रय योजना के माध्यम से करीब करीब हमने 600 पट्टा बांटे हैं। अभी डोंगरगांव में हमारे यहाँ बेल्ट पड़ता है, वो कुछ फॉरेस्ट बेल्ट होता है, वन भूमि का पट्टा, उसमें भी हमारे माननीय विधायक जी का वो चल रहा है, प्रयास चल रहा है कि उनको भी पट्टा जारी हो। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नगरीय क्षेत्र में बहुत बड़े क्या होता था, पहले ये नगर पंचायत नहीं था तो ग्राम पंचायत होता था, उस समय जनपद होता था, जनपद उसका स्वामी होता था। तो मेरे एरिया में मेरे वार्ड है वार्ड नंबर 9, जिसमें करीब 60 से 70 परिवार जो है वो जनपद भूमि में है और वो 100 साल से काबिज है, उसे भी प्रयास किया जा रहा है। माननीय विधायक जी से बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि उनको भी पट्टा जारी हो और उनको वो सुविधा मिले, शासन के योजना का लाभ मिले, मैं यही कहना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद के माध्यम से इंग्लिश मीडियम का लाभ
गरीब तबके के लोगों को बच्चों को देना था। इसमें काफी सफल भी हो, ये योजना जो है काफी सफल रहा और कई लोग अपने बच्चे को यहाँ और भी पढ़ाना चाहते हैं। आपके यहाँ कितनी स्कूल है और क्या मांग? देखो, सबसे पहली बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार बधाई देना चाहूंगा इस मामले में, क्योंकि उसमें छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब परिवार बड़ा नहीं है। इस मैं डोंगरगांव हमने देखने को मिला स्वामी आत्मानंद जी स्कूल में कि उसमें सभी लोग के वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं और बढ़िया है उनका रिजल्ट है ना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बार बार बधाई देना चाहूंगा इस मामले में। वो लगातार हमारे साथ चर्चा कर रहे थे हीरा भाई, जो डोंगरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी और निर्माण कार्य के क्षेत्र में भी काफी अव्वल है और पूरे संभाग में काफी बड़ा नगर पंचायत के रूप में पहचाना जाता है। कैमरा पर्सन राजेश।